आएगा क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही बेटा सबको? चलो टेक्स्ट करो फटाफट। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे बेटा। एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा सेल साइकिल सेल डिवीजन। अब आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। सब अलग अलग टॉपिक अपन पढ़ रहे, कुछ बॉटनी के, कुछ जूलॉजी के, है ना। सो टाइटल ऑफ अवर न्यू चैप्टर इज, किसी का माइक, सो अपने चैप्टर का जो टाइटल है वो है बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दिस इज अवर टाइटल। ये टाइटल मैंने आपको बताया था एज पर द एनसीईआरटी बुक। अगर आप लोगों का स्टेट बोर्ड है तो उसमें इसी चैप्टर का जो टाइटल है वो है बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही बेटा, कुछ चेंज नहीं है इतना, लेकिन मैं दोनों बुक्स की कंसेप्ट तो आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि 99% सेम है, 1-2% डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा। अब इस चैप्टर का वेटेज देखते बेटा, नीट में 2 questions इस पे होते हैं, मतलब 8 marks के लिए ये चैप्टर है। सीटी में 2 questions होते हैं तो 2 marks के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको। इस पूरे चैप्टर में हमें ह्यूमन बीइंग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है बेटा। ठीक है, सो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सब लोग हेडिंग देंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा, जब मैं मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको पहले मैकेनिज्म समझनी है। बाकी हर एक स्लाइड का कंटेंट लिखने के लिए मैं आपको 2 minutes दूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक्सप्लेनेशन के समय कोई नहीं लिखेगा, बस समझ लो पहले। सो अवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 parts आते बेटा। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एंड सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, डाइजेस्टिव, सो विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से मतलब बेटा जो ग्लैंड्स डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो बेटा उसमें 3 digestive glands हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट्स द सलाइवा। सेकेंड वन कौन सी बेटा? सेकेंड वन इज द लीवर जो अपने बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा। एंड थर्ड वन इज पैंक्रियास जो इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो गैप होता है वहां पे ये पैंक्रियास प्रेजेंट रहेगी बेटा। ये तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गई, लेकिन ग्लैंड्स भी देखेंगे बेटा अपना। लेकिन अब ये ग्लैंड्स डिस्कस करने से पहले आज हमें क्या पढ़ना बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे। तो एलिमेंट्री कैनाल के बस मैं पार्ट्स तो पहले आपको 1 by 1 एनलिस्ट कर दूं, फिर उनको 1 by 1 देखेंगे बेटा अपन। फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ, सेकेंड वन इज
what we call, and pharynx. Third one is esophagus. Fourth one is stomach. Fifth one is small intestine. Sixth one जो होगी बेटा वो रहेगी लार्ज इंटेस्टाइन, और जो सेवंथ वन होता है ना बेटा वो है एनस। अब ये सभी पार्ट जो मैंने आप लोगों को बताया बेटा, इन सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें इन डिटेल देखना है। सबसे पहले ये कंटेंट आप लोग नोट कर लो, लिखना हो जाए डिटेक्स कर दो। दो तीन लोगों का भी मैसेज आ गया तो मैं समझूंगा कि ये सबने नोट कर लिया, तो मैं आगे की साइड पे जाता हूँ। चलो नोट कर लो बेटा। डी टेक्स्ट कर देना मुझे। केजर आलो सर, चलो ठीक है बेटा आगे प्रोसीड करते। चलो कितने लोग आ गए भाई, पहले वो देख लेते। आज तो 14 ही लोग है, दो तीन लोग तो ऑब्सेंट लग रहे मुझे। डॉक्टर अबू खान, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर असरार, डॉक्टर कुंदन, डॉक्टर माहेश्वरी, डॉक्टर निशिका, डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर विजय। बेटा ये पहला लेक्चर है क्या डॉक्टर विजय का? डॉक्टर विपुल, ये डॉक्टर विवो कौन है भाई, अपना नाम क्यों नहीं डालते भाई? और युगंद्रा, डॉक्टर युगंद्रा सॉरी है। ठीक है अब आगे प्रोसीड करते बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना, सो एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स अपन डिस्कस करते हैं। अब पहले तो मैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताता हूं आपको। सो इसमें ये अपनी ओरल कैविटी रहेगी और ऊपर से ये रहेगी बेटा नसाल कैविटी। ठीक है ना, नसाल कैविटी। फिर आगे से ये अपना फूड पाइप होता है, उसको अपन एसोफैगस कहते हैं बेटा। सो ये ओरल कैविटी होगी, जिस ओरल कैविटी से हम फूड को अंदर लेते बेटा, है ना। और ये ऊपर जो कैविटी है अपनी, दैट इज द नसाल कैविटी, जिस नसाल कैविटी के थ्रू अपन एयर अंदर लेते बेटा, है ना। तो ये यहां से एयर आएगी, यहां से फूड जाएगा। ठीक है ना बेटा। सो एयर और फूड का जो मीटिंग पॉइंट अभी आपको दिख रहा है बेटा, जहां से एयर और फूड दोनों का कंडक्शन होगा, उस पार्ट को बेटा कहा जाता है फेरिंग्स। ठीक है ना, अभी मैं पहले बस लेबल बता देता हूं साहब, फिर उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा, दैट इज एसोफैगस, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है बेटा। देन आफ्टर द एसोफैगस देयर इज अ roughly J-shaped structure, जिसको हम simply कहते हैं बेटा stomach, है ना। ये region हो गया बेटा अपना stomach का, temporary food को stored करेगा, food का partial digestion होगा,
ये स्टमक हो गया। आफ्टर द स्टमक नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, ये बिल्कुल ऐसे हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है बेटा वो। एवरेजली स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अगर हम देखें बेटा तो 6 या 6.5 मीटर उसकी लेंथ होती है एडल्ट ह्यूमन बींग में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा है। फिर भी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? उसके अंदर जो स्पेस होती है उसको लुमेन कहा जाता है बेटा। लुमेन कम होने की वजह से ये देखो चलो, ये अभी जो फिलहाल आपको जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहा बेटा जितना पार्ट, वो हो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है ना। इट इज टिपिकल स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, आगे उनके भी कुछ सब पार्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम दिस स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये अभी मैं ये लार्ज इंटेस्टाइन निकाल रहा हूं बेटा यहां पे। ये लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम हाईली कॉइल्ड है, वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता बेटा, तो लेंथ उसकी कम होती है। ये देखो, अब ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन हो गया, ठीक है। इट इज लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इसी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सबसे लास्ट में ये जो रीजन होगा ये हो गया बेटा एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल के ये सभी पार्ट्स की पोजीशन समझ में आ गई बेटा सबको? टेक्स्ट करो, फिर आगे मैं और कंटिन्यू करता हूं वन बाय वन। बोलो फटाफट, ओके चलो। तो फिर अभी प्रोसीड करते बेटा माउथ से स्टार्ट करते, क्योंकि अपनी एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होगी? माउथ से, है ना। तो चलो माउथ से स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट वन that is mouth which is guarded by the lips, है ना, upper lips, lower lips। so सबसे पहले ये जो mouth है इसका role क्या होगा? it simply this mouth helps in it helps in द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। देखो बेटा माउथ का रोल क्या है, इंजेशन के लिए वो हेल्प करता है। इंजेशन इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन क्या बेटा, ये न्यूट्रिशन की फर्स्ट स्टेप है। तो फिर उसके लिए अब न्यूट्रिशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। सो इट हेल्प्स इन इंजेशन। सो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को अभी न्यूट्रिशन क्या है वो पता होना जरूरी है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या बेटा, न्यूट्रिशन इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जिस प्रोसेस में हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है न्यूट्रिशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें न्यूट्रिशन की कुछ स्टेप्स डिस्कस करने वाली, जो पहली स्टेप अभी आपने यहाँ पे लिखी बेटा। सो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन गेट कंप्लीट्स इन डिफरेंट स्टेप्स। जैसे कि सबसे पहली स्टेप होती बेटा इंजेशन। इंजेशन का सिंपल ही मीनिंग होगा इनटेक ऑफ फूड। तो फूड इनटेक करने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में से जब वो फूड पास होगा तो उस फूड का क्या होने वाला है बेटा, डाइजेशन होने वाला है। बात समझ में आ रही है बेटा, डाइजेशन। सिंपल मीनिंग ऑफ डाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद थर्ड क्या होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन।
फिर एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, सॉरी पहले तो डाइजेस्टेड फूड बॉडी से उसको यूज करेगी, और वो यूज करने की जो प्रोसेस है उसको बेटा कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर इलिमिनेट किया जाएगा, उसको अपन क्या नाम देंगे बेटा, इजेशन, है ना। सो इंजेशन से लेकर इजेशन तक ये सब जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स किसमें आते हैं बेटा, न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। और वो सबसे पहली जो स्टेप है इंजेशन, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला जो पार्ट है फेरिंग, सॉरी माउथ, उसके थ्रू वो प्रोसेस कैरी आउट। तो अब ये जो माउथ है उसमें कैविटी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, दिस माउथ लीड्स टू व्हाट, दैट इज ओरल कैविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, बकल कैविटी। क्या नाम दिया बेटा उसको मैंने, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। सो ये ओरल कैविटी के अंदर दो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, है ना। दिस ओरल कैविटी हैज अ प्रेजेंस ऑफ टू फंक्शनल पार्ट्स। तो कौन से फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट वहां पे होगा टीथ, टीथ और टंग, टीथ एंड टंग, दिस आर द टू फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ और ओरल कैविटी। सो अब ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमें ह्यूमन टीथ स्टडी करना है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन कंसेप्ट यूज होती है बेटा, दैट इज दिस ह्यूमन डेंटिशन, डेंटिशन टीथ की जो अरेंजमेंट है, इट इज हेटेरोडेंट कम, इट इज डायफायोडेंट एंड इट इज थीकोडेंट। तो बच्चों ये जो टीथ की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीनों जो वर्ड्स आते हैं, अब मैं इनका मीनिंग आपको बताता हूं। सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया बेटा अपन ने वहां पे, हेटेरोडाइन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वर्ड लिखा अपन ने वहां पे डायफायोडेन, और फिर उसके बाद आएगा बेटा थीकोडेन, ठीक है ना। सो व्हाट इज द हेटेरोडेंट। अब इसमें ये जो वर्ड है डेंट, सो डेंट का मीनिंग होगा बेटा टीथ, ओके टीथ। हेटेरो मतलब व्हाट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट, टीथ के अलग अलग टाइप्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, डिफरेंट टीथ्स। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल चार टाइप के टीथ होते हैं बेटा, कौन से, दैट इज इंसीजर, जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं बेटा अपने इंसीजर उसको अपन कहते हैं, उसके साइड में एक है कैनाइन, उसके बाद है प्री मोलर और लास्ट है मोलर। ये होता है बेटा चार, सबसे लास्ट वाले। अगर चीविंग जो होता है फूड का, जो चीविंग एक्शन होगी, ये चीविंग एक्शन कौन करेगा बेटा, लास्ट के दो टीथ, प्री मोलर और मोलर। कैनाइन इज यूज फॉर द टीयरिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड इंसिजर फॉर द कटिंग पर्पस। अब इसमें हमें डेंटल फॉर्मूला डिस्कस करना है, डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है,
2, 1, 2, 3 तो मतलब क्या है बेटा ये 2, 1, 2, 3 मतलब क्या है ये 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8 मतलब ये हाफ जॉ का फॉर्मूला हो गया बेटा। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अपर जॉ में 16 टीथ होते हैं, लोअर जॉ में 16। अभी आपको ये हाफ जॉ का फॉर्मूला है बेटा, फिर उसके नीचे हाफ जॉ में भी तो वैसे ही रहेगा। सो 2 by 2, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 ठीक है ना बेटा। सो 2 by 2 मतलब इसमें आएगा ये इंसीजर, ये रे बेटा ये आय मतलब क्या होगा इंसीजर। तो अपने हर एक हाफ जॉ में 2 इंसीजर टीथ होते हैं, एक कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होंगे बेटा और 1 मोलर रहेगा। ये डेंटल फॉर्मूला है बेटा अडल्ट ह्यूमन बीइंग का 2, 1, 2, 3। ये किसका फॉर्मूला बताया बेटा मैंने, अडल्ट ह्यूमन बीइंग का। उसमें जो मिल्क डेंटिशन होता है, आके बताता हूं मैं ये फॉर्मूला कैसे समझ में आ गया सबको। 32 के लिए फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है समझ में आया कि नहीं। यस, प्रिया ने तो बहुत जल्दी लेक्चर अटेंड कर लिया आज, ओके चलो। हाँ अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा। मैं आपको वो मिल्क डेंटिशन जो होते हैं ना बेटा, मिल्क दूध के जो दांत होते हैं कि नहीं इन्फेंट्स में, उसका फॉर्मूला बताता हूँ बेटा। 2, 1, 0, 2 मतलब देखो बेटा वही सीक्वेंस है, 2 by 2, 1 by 1, 0, 2 तो 2 इंसीजर रहेंगे। देखो बेटा मतलब अडल्ट में भी 2 इंसीजर है और इन्फेंट में भी। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, ये मिल्क डेंटिशन का फॉर्मूला है। हाँ मिल्क डेंटिशन का ये फॉर्मूला है बेटा, 1 कैनाइन, प्री मोलर नहीं रहेंगे बेटा उसमें और मोलर सिर्फ 2 ही रहेंगे। सो देखो बेटा हाफ जॉ में कितने टीथ हो गए, ऊपर के नंबर को काउंट करो सिर्फ, 2 + 1 = 3, प्री मोलर तो नहीं है और मोलर 2 मतलब हो गया बेटा 5। सो हाफ जॉ में 5, हाफ जॉ में 5 मतलब अपर जॉ में हो गए बेटा 10, लोअर जॉ में हो गए 10, बराबर कि नहीं। सो ये डेंटल का अडल्ट का फॉर्मूला है, उसमें 32 टीथ रहेंगे बेटा और मिल्क डेंटिशन में टोटल 20 टीथ रहेंगे। तो मुझे बताओ दोनों फॉर्मूलेज में डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा आपको। बोलो फटाफट। यस सर। ओके चलो ठीक है। अब आगे देखते बेटा, ये तो मैंने बताया आपको हेटेरोडंट का एक्सप्लेनेशन। आगे डायफायोडेंट, देखो बेटा क्या वर्ड यूज किया मैंने, डायफायोडेंट, इसका मतलब फिर से क्या होगा बेटा, टी डाय मीन्स means in human life there are 2 sets of teeth। पूरे लाइफ में यूको ओपन कहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा, डायफायोडेंट। तो 2 सेट्स कैसे, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, एक तो बर्थ के बाद जो आएगा बेटा मिल्क डेंटिशन, वो टीथ जो होते बेटा वो टेम्पररी रहते है ना, 7-8 ईयर्स के बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं, उसके बाद आता है सेकंड टीथ और उसको अपन कहेंगे बेटा परमानेंट टीथ है ना, परमानेंट डेंटिशन। तो फिर अभी अभी अपन ने फॉर्मूला देखा है, मिल्क डेंटिशन में टोटल 20 टीथ रहेंगे और परमानेंट डेंटिशन में रहेंगे बेटा 32 टीथ। क्लियर है? हाँ देन चलो, डायफायोडेंट का भी मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है बेटा थेकोडेंट, ये ह्यूमन टीथ की कंडीशन के लिए अपन ने थेकोडेंट जो वर्ड यूज किया, मतलब क्या है,
इकोडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज द टीथ विच इज इंसर्टेड इन अवर जॉ बोन, जो अपने जॉ बोन के अंदर इंसर्ट रहेगी बेटा। ये जो जॉ बोन है ना, अपने दो जॉ है बेटा, अपने ये मैक्सिला ऊपर वाला जो जॉ है उसको मैक्सिला कहा जाता है और लोअर वाले को मैंडिबल कहा जाता है ना। तो अपने टीथ क्या होता है बेटा, उसके अंदर इंसर्ट होते हैं कि नहीं। सो अवर टीथ आर इंसर्टेड इन अवर जॉ बोन, सो टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन द टर्मिनोलॉजी कॉल्ड थिकोडेंट इज यूज्ड। देन पार्ट्स ऑफ अवर टीथ, अपने टीथ के दो पार्ट्स होते हैं बेटा। एक तो टीथ का पार्ट जो हमें दिखाई देता है, व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है बेटा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द क्राउन। सो व्हाट इज द क्राउन, क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अवर टीथ। एंड सेकेंड वन इज द रूटेड पार्ट, जो अपने जॉ बोन के अंदर इंसर्ट रहेगा बेटा। एंड फाइनली दिस क्राउन is covered by the white color coating which is called as the enamel. तो ये crown जो है ये किससे covered रहेगा, enamel से। तो बेटा enamel क्या है, it is the hardest substance of our body, bone से भी ज्यादा hard वो enamel होता है जो crown को cover करता है। That is all about the teeth. एक भी word इसके बाहर आपको टीथ पे इसमें क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, सभी पॉसिबल कंडीशंस मैंने यहां पे आपको बता दी। सो इज इट क्लियर, ये सब अपन माउथ या ओरल कैविटी के बारे में पढ़ रहे बेटा अभी। हाँ, जो अपने एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में अपन ये पढ़ रहे अभी तक। अभी अपन ने फारिंग्स भी स्टार्ट नहीं किया है, माउथ स्टार्ट किया है। माउथ के अंदर ओरल कैविटी है, उसके अंदर टीथ है, और उसी के अंदर अभी दूसरा जो पार्ट रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते बेटा, टंग। सो टंग, ए पार्ट था टीथ, बी पार्ट टंग। अब ये जो टंग है, इट इज रफली ट्राइंगुलर, मस्कुलर एंड फ्लेशी ऑर्गन। तो इस टंग के दो रोल होते बेटा में, दो रोल कौन से, एक दिस टंग हैज अ प्रेजेंस ऑफ टेस्ट पैपिली। एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा बेटा, पैपिली, द मीनिंग ऑफ पैपिली इज द बर्ड्स। ठीक है, क्या लिखा बेटा, बर्ड्स मींस दीज आर द केमिकल्स व्हिच डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द फूड, इसीलिए उसको अपन सिंपली कह सकते बेटा टेस्ट बर्ड्स, है ना, जो फूड की टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, मतलब ये अपना एक सेंस ऑर्गन का पार्ट है ना, टेस्ट पैपिली। और सेकेंड रोल टंग का क्या है बेटा, इट helps in mixing of food with that of saliva. क्या करेगा बेटा, ये food को saliva के साथ mix करेगा। तो फिर क्या होगा, food अगर saliva के साथ mix हुआ तो क्या होगा, जो भी food हम eat करते solid form of food, सॉलिड फूड तो इजीली स्वेलो नहीं होगा, या हो भी गया तो आगे उसको अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पास होना है तो उसकी स्मूथ मूवमेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, कि जो सॉलिड फूड हम लोगों ने ईट किया है वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये सॉलिड फूड पेस्ट फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा। और जैसे ही वो फूड पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उस फूड को अब हम इजीली स्वैलो कर सकते बेटा, और ये भी जो एक्शन है ये टंग की वजह से ही पॉसिबल है। देन दिस टंग इज अटैच्ड टू, ये टंग किसको अटैच रहेगी बेटा, इट इज अटैच्ड टू द फ्रेनेला। चलो
फिर अब नया वर्ड आ गया बेटा फ्रेनेलम. नाउ व्हाट इज द फ्रेनेलम, तो फ्रेनेलम के बारे में डिस्कस. तो ये सब एस्पेक्ट हम स्टडी कर रहे थे बेटा ओरल कैविटी के अंदर. ओरल कैविटी उसी को अपन कहेंगे बकल कैविटी. सो ये जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी है उसका जो रूफ होता है बेटा, रूफ, रूफ मतलब ऊपर वाला पार्ट है ना, और एक तो उसका फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे वाला, ठीक है. द रूफ ऑफ अवर बकल कैविटी इज कॉल्ड एज अ पैलेट, मतलब अपने ओरल कैविटी का ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है बेटा, पैलेट. एंड द फ्लोर ऑफ अवर बकल कैविटी इज कॉल्ड एज फ्रेनेलम, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है जहां पे अपनी टंग अटैच है उसको फ्रेनेलम कहा जाता है. तो पैलेट और फ्रेनेलम क्या है, समझ में आ गया सबको? बोलो फटाफट. यस सर. ओके चलो. अब ये ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर एक लास्ट पॉइंट अभी मैं बताता हूं बेटा, उसके बाद फेरिंग्स और उसके बाद वाला जो इवेंट है किसका रोल है भाई ये, हाँ विपुल, रोल क्या है? तो ये जो फ्लोर फ्रेनेलम है यही तो फ्रेनेलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है टंग के लिए. टंग किसको अटैच है बेटा, फ्रेनेलम को, तो वो अटैचमेंट वहां पे प्रोवाइड करेगा, है ना. और रूफ और फ्लोर अगर है तो मतलब वो एक बाउंड कैविटी बन गई ना बेटा, बाउंड कैविटी बन गई मतलब लिमिटेशंस वहां पे आ गए. लिमिटेशंस आ गए तो मतलब फूड की जो मूवमेंट होगी, फूड के मूवमेंट के लिए एक स्पेसिफिक बाउंड्री डिसाइड होगी ना. विपुल समझ में आ रहा है? ओके आगे. अब इसी ओरल कैविटी का लास्ट पॉइंट मैं बताता हूँ, फिर फेरिंग्स के बाद वाले सभी जो पार्ट्स है वो कल कंटिन्यू करेंगे. लेकिन अब इसमें और एक पॉइंट, यही जो ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी में अपन क्या करने वाले बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन की जो पहली स्टेप है कौन सी, इंजेशन ओरल कैविटी थ्रू होने वाले, बराबर है. सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, जिस प्रोसेस में अपन क्या करने वाले बेटा, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने वाले, बराबर है. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनको हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते बेटा. सम न्यूट्रिएंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स, व्हाइल सम न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज अ माइनर न्यूट्रिएंट्स. तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, मेजर न्यूट्रिएंट्स, दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, बॉडी को, सेल को लार्ज अमाउंट में उसकी जरूरत होती है. और माइनर न्यूट्रिएंट्स मीन्स दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नीड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, माइक्रोग्राम पिकोग्राम में भी अगर वो प्रेजेंट है तो वो फिर भी उसका काम कर देगा बेटा. तो फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स क्या है, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स के दो एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं बेटा. एक आएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड्स मतलब फैट्स, और तीसरा और एक एग्जांपल अपन उसमें ले सकते हैं बेटा प्रोटीन. ये तीनों क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट है. अब इसमें से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को क्या कहा जाता है बेटा, इन दोनों को कहा जाता है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स. क्या नाम दिया मैंने, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एटीपी चाहिए कि नहीं सबको, तो वो एटीपी किससे बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से. और ये जो प्रोटीन है मेजर ही है, लेकिन ये बॉडी मतलब यूजली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन जो सेल जो है उसको यूज नहीं करेगी बेटा. तो ये जो है इट इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. क्या लिखा बेटा मैंने, बॉडी बिल्डिंग. तो बॉडी का जो मास होता है वो मेनली प्रोटीन ही से तो बनता है, तो वो बॉडी बिल्डिंग. और रहा सवाल फिर माइनर न्यूट्रिएंट्स का, तो माइनर न्यूट्रिएंट्स में आते बेटा सभी अलग अलग टाइप के मिनरल्स जो सभी बॉडी सेल्स को नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीज,
ये सब मिनरल जो है ये माइनर न्यूट्रिएंट्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, मेजर माइनर न्यूट्रिएंट्स। ओके ठीक है, फिर तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट माउथ के बारे में आज हमने देखा, फेरिंग्स के बाद जितने भी पार्ट्स है उन सब का स्ट्रक्चर हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी आपका मैथ्स का लेक्चर होगा। ठीक है, सो बाय सबको।